अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मुख्तार अशोक और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल मीस एकेडमी। तो आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर टू बी टेंस। हकीकत यह है कि फ्यूचर टू बी टेंस ये कोई टेंस नहीं है, पर हम क्या करें, यहाँ पे जो सिंध में यानी पाकिस्तान के अंदर ये प्रेजेंट टू बी टेंस, पास्ट टू बी टेंस एंड फ्यूचर टू बी टेंस पढ़ाया जाता है। तो इसलिए मैं जो आपके लिए आज टॉपिक लेके आया हूँ वो लेके आया हूँ फ्यूचर टू बी टेंस। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरे न्यू आने वाली वीडियो की आपको अपडेट मिल सके। तो अगर आपने प्रेजेंट टू बी टेंस एंड पास्ट टू बी टेंस का वीडियो नहीं देखा, कोई मसला नहीं है, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, आप पहले वो देखें प्रेजेंट टू बी टेंस एंड पास्ट टू बी टेंस, उसके बाद आप इस टेंस को पढ़ें फ्यूचर टू बी टेंस को। तो आइए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। जी व्यूअर्स, तो यह है फ्यूचर टू बी टेंस। तो फ्यूचर टू बी टेंस में जो हमने पढ़ा था प्रेजेंट टू बी टेंस एंड पास्ट टू बी टेंस में, के दो चीजों का बस हमें ख्याल रखना है। ठीक है, दो चीजों का हमें ख्याल रखना है, एक है स्टेट और दूसरी है हमें एग्जिस्टेंस। ठीक है, स्टेट एंड एग्जिस्टेंस का हमें ख्याल रखना है, बाकी कोई मसला नहीं है। ये सारा जो टू बी टेंस है, टू बी टेंस सारा, वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर टू बी टेंस हो, ये सारा डिपेंड करता है एक स्टेट पे और एक एग्जिस्टेंस पे। अभी स्टेट क्या है, मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था प्रेजेंट टू बी टेंस में। आज तो स्टेट में हम क्या देखेंगे कि फ्यूचर में आपकी हालत क्या होगी, यानी आप क्या बनोगे, आप कोई बिजनेसमैन बनोगे। फॉर एग्जाम्पल, आप फ्यूचर में बिजनेसमैन बनोगे, आप फ्यूचर में डॉक्टर बनोगे, आपकी जो चेहरे की रंगत होगी फ्यूचर में वो खूबसूरत होगी। वो क्यों, कौन सी होगी, खूबसूरत होगी, यानी आप फ्यूचर में ब्यूटी बनोगे। आप इसमें कोई मसला नहीं कि ये सारी जो आप इसमें एडजेक्टिव लगा सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप एडजेक्टिव ना लगा, एडजेक्टिव लगा सकते हैं, कोई नाउन भी लगा सकते हैं। ठीक है ना, तो आप क्या बनोगे फ्यूचर में, ये आपको दिखाएगा फ्यूचर टू बी टेंस। और आपकी जो फ्यूचर में आपकी मौजूदगी कहाँ पे होगी, जैसे हम कहते हैं कि वो कल लारकाना में होगा, ऐसा नहीं है, ये प्रेजेंट नहीं है, ये फ्यूचर में बताएगा वो कहाँ पे होगा। तो वो फ्यूचर में बताएगा कि वो लारकाना में होगा, इन दी लारकाना, कहाँ होगा, लारकाना में होगा। ठीक है, ये फ्यूचर में बताएगा कि आपकी जो मौजूदगी है फ्यूचर में कहाँ पे होगी। ठीक है, ये हो गया स्टेट और ये होगा एग्जिस्टेंस। अब इसके जो हेल्पिंग वर्ब्स है वो कौन कौन से होंगे, हेल्पिंग वर्ब इसके दो हैं, एक है शैल बी और दूसरा है आपका विल बी। कौन कौन सा, एक शैल बी और दूसरा विल बी। अभी ये सवाल है कि शैल बी हम किससे इस्तेमाल करेंगे और विल बी हम किससे इस्तेमाल करेंगे। तो शैल बी आप सिर्फ और सिर्फ आई एंड बी से इस्तेमाल करेंगे, बस आई और बी से इस्तेमाल करेंगे। आप और जो प्रोनाउंस है और नेम्स है आप इसे शैल बी इस्तेमाल नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ दो से इस्तेमाल करेंगे, एक आई और दूसरा वी, इससे अलावा आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, अब जो विल बी है, विल बी आप जो भी प्रोनाउन बचे हैं, आपका यू है, आपका दे, शी, इट, ही, जो भी प्रोनाउन है आप यहां पे लिखारों से आप विल बी इस्तेमाल करेंगे, और अगर सिंगल नेम होगा तो भी आप विल बी इस्तेमाल करेंगे, अगर दो या दो से ज्यादा नेम होंगे तो भी आप विल बी इस्तेमाल करेंगे। ऐसा नहीं है कि सिंगल नेम है तो आप शैल बी इस्तेमाल करेंगे, नहीं, आप यहां पे भी विल बी इस्तेमाल करेंगे। आगे चलते हैं, जो इसके सेंटेंसेस हम बनाते हैं कि इनके एग्जांपल्स हम लेते हैं, सेंटेंसेस इनके बनाते हैं कि इनके सेंटेंसेस कैसे बनते हैं। इसके सेंटेंसेस भी बहुत ईजी हैं,
घबराने की कोई बात नहीं। आप अगर पहले तो हम क्या करेंगे कि स्टेट के बनाए कि आपकी हालत क्या होगी फ्यूचर में, आप क्या बनोगे फ्यूचर में, तो पहले तो हम इस पे बनाए, उसके बाद हम बनाते हैं एग्जिस्टेंस के हवाले से। फॉर एग्जाम्पल, लियाकत विल बी प्योर, लियाकत विल बी प्योर, ठीक है, लियाकत प्योर बनेगा, लियाकत प्योर बनेगा, है नहीं था नहीं बनेगा। उससे उसके बाद अब ये भी करते हैं कि इनके जो इंट्रोगेटिव है नेगेटिव है और इंट्रोगेटिव नेगेटिव है वो भी हम यहाँ पे कर लेते हैं। आप इनका इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे, आप इनको इंट्रोगेटिव ऐसे बनाएंगे कि आप जो हेल्पिंग वर्ब है ये सारा ये नहीं आप उठाएंगे, ऐसा नहीं है कि आप विल बी क्या करें कि सब्जेक्ट से आगे रखें, ये नहीं होगा। आप सिर्फ और सिर्फ विल, विल को आप उठा के सब्जेक्ट से आगे रखेंगे, बाद में बी यहां पे ही होगा। कैसे, विल याकत बी प्योर, मैंने आपको बोला था ये आप क्वेश्चन मार्क लाजिम है, कंपलसरी है, आप क्वेश्चन मार्क यहां पे देंगे क्योंकि ये होगा इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव जो भी होते हैं हम उन पे क्या करते हैं क्वेश्चन मार्क देते हैं, अगर हम क्वेश्चन मार्क नहीं देंगे तो ये गलत हो जाएगा सेंटेंस। उसके बाद होगा आपके, ये तो हो गया इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव के बाद हम देखते हैं नेगेटिव के हवाले से, नेगेटिव कैसे बनेगा। नेगेटिव आपका पहले आप लियाकत विल, अब ऐसा नहीं है कि विल बी नॉट हम लगाएं, ऐसा नहीं है, हम क्या करेंगे विल नॉट बी, उसके बाद विल नॉट बी प्योर, यहां पे हम क्वेश्चन मार्क नहीं देंगे क्योंकि ये इंट्रोगेटिव नहीं है, अगर इंट्रोगेटिव होता तो हम यहां पे क्वेश्चन मार्क देंगे, इंट्रोगेटिव नहीं है इसलिए हम क्वेश्चन मार्क नहीं देते। उसके बाद अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव विल लियाकत नॉट बी प्योर, अब ये होगा क्वेश्चन मार्क यहां पे लगेगी क्योंकि ये इंट्रोगेटिव है और नेगेटिव है, अगर सिर्फ नेगेटिव होता तो हमें यहां पे क्वेश्चन मार्क नहीं देते, पर ये इंट्रोगेटिव और नेगेटिव है इसलिए हमने यहां पे क्वेश्चन मार्क दी है। तो विल लियाकत नॉट बी प्योर, लियाकत प्योर क्या, क्या लियाकत प्योर बनेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं एग्जिस्टेंस के हवाले से कि एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस में हम कैसे जुमले बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल एक सेंटेंस से आप लाड़काना में होंगे, होंगे थे नहीं हूं नहीं, आप लाड़काना में होंगे, ठीक है, इसका आप इस्तेमाल कैसे करेंगे, आप इसके कैसे बनाएंगे, ये तो उर्दू में था, अब इंग्लिश में आप इसको कैसे बनाएंगे, यू विल बी इन द, यू विल बी इन द लाड़काना, यू विल बी इन द लाड़काना, अब ये तो असर्टिव में हो गया, ठीक है, असर्टिव यानी बयानी जो भी सेंटेंस होते हैं उनको हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। अब इनका जो इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा, इंट्रोगेटिव इस तरह से ही बनेगा, सिर्फ और सिर्फ आप क्या करेंगे, क्या करेंगे, विल को आगे लाएंगे, उसके बाद बी वहीं पे होगा, ऐसा नहीं है कि विल बी आप आगे लगाए, ऐसा नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ आप क्या करेंगे, विल उसके बाद सब्जेक्ट उसके बाद बी एंड लाड़काना, ठीक है। अब क्वेश्चन मार्क लाजिम है, क्वेश्चन मार्क आप देंगे। उसके बाद आप नेगेटिव इसका कैसे बनाएंगे, यू विल नॉट बी इन द लाड़काना, आप लाड़काना को एल आर के भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप लाड़काना सारा लिखे कोई मसला नहीं, आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, एल आर के मीन्स लाड़काना, ये आपका नेगेटिव हो गया। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव विल यू नॉट बी इन द एल आर के, एल आर के मीन्स लाड़काना, और आप क्वेश्चन मार्क यहीं पे जरूर देंगे।
और ये आपके जो होंगे वो होंगे स्टेट में, और ये आपका हो गया एग्जिस्टेंस में। ठीक है, एक और बात जो मुझे पहले करनी थी पर मैं भूल गया, कोई मसला नहीं है, आप उसके लिए मैं आप सबको सॉरी कहता हूं। ये बात है कि आप मैंने आपको इसकी जो फॉर्मेशन है वो नहीं बताई कि हम इसको कैसे फॉर्म में लाते हैं सेंटेंस को, जो फ्यूचर टू बी टेंस है, हम इसको कैसे फॉर्म में लाते हैं। तो आइए मैं आपको वो भी सिखाता हूँ। हकीकत यह है कि ये आपको पहले सिखाने चाहिए पर मैं आपको ये नहीं सिखा पाया, तो उसके लिए आपको सॉरी कह रहा हूँ। ठीक है, कोई मसला नहीं है, मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि इसकी फॉर्मेशन कैसे बनती है, आप जुमला कैसे बनाएंगे, आप सेंटेंस कैसे बनाएंगे। पहले तो आप क्या करेंगे, जो सब्जेक्ट है, जो भी सब्जेक्ट है, पहले आप वो लगाएंगे। हम सब शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं सब्जेक्ट को, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, यानी जो भी आपके हेल्पिंग वर्ब होंगे। मैंने आपको दो हेल्पिंग वर्ब बताया, एक विल बी और दूसरा शैल बी बताया। तो विल, तो मैंने आपको बताया कि शैल बी किससे इस्तेमाल होता है और विल बी किससे होता है, किससे इस्तेमाल होता है। तो पहले आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे कि हेल्पिंग वर्ब जो भी होंगे वो लगाएंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे कि कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं लगेगा, यहाँ पे कौन क्या लगेगा, कॉम्प्लीमेंट लगेगा, ऑब्जेक्ट यहाँ पे नहीं लगेगा। तो आज की वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।